सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में फिर से आपका एक बार स्वागत है। इस बार हम आपको पाठ 5 गद्य की विधा एक लेख बताने आए हैं। नाम की इच्छा। नाम कमाने की इच्छा किसे नहीं होती, हर किसी को होती है। हर कोई ये चाहता है कि पेपर में उसका नाम छपे, लोग उसको जाने, छोटी छोटी बातों के लिए जाने, और ये इच्छा बचपन से ही शुरू हो जाती है। एक छोटा बच्चा स्कूल में होता है तो सोचता है उसको सारे टीचर प्यार करें, हर कोई उसको स्पोर्ट्स के लिए जाने, पढ़ाई के लिए जाने, किसी न किसी रूप में जाने। और ऐसा ही इस लेख का एक पात्र है गुरदास। गुरदास के मन में नाम कमाने की इच्छा बचपन से ही होती है। वो ये सोचता है कि कैसे उसको लोग जाने, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो कक्षा हो, चाहे प्रश्नों के उत्तर देने हो, या किसी चीज से किसी को प्रभावित करना हो, वो इसी होड़ में लगा रहता है। उसके मन में जरा भी संतोष का भाव ही नहीं था। हर वक्त वो यही सोचता रहा, बड़ा हुआ नौकरी में वही, जहां रह रहा मोहल्ले में वही। उसके मन में नाम कमाने की जो इच्छा घर कर गई थी वो कैसे भी खत्म नहीं हुई। बड़े होते होते भी उसके मन में वही भाव बना रहा। एक दिन क्या हुआ, अनायास ही वो अखबार पढ़ते पढ़ते गाड़ी की चपेट में आ गया और उसकी दुर्घटना हो गई। वो हॉस्पिटल पहुंचा। अब देखिए, दर्द से कराहता गुरदास यही सोच रहा था कि अब उसका नाम पेपर में छपेगा, लोग उसको जानेंगे, किसी ना किसी तरह से उसका नाम होगा। अब इस भावना से वो अस्पताल में बैठा था तो जिसकी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ वो व्यक्ति वकील था। वो आया, उसने कहा कि मैं तुम्हें हर तरह का हर्जाना देने को तैयार हूँ। तो उसने अपनी इच्छा जताई कि मुझे पेपर में मेरा नाम आना चाहिए और पैसे वैसे हमें नहीं चाहिए। अगले दिन क्या हुआ, उसको पेपर में नाम तो छपा लेकिन क्या कहकर कि गुरदास जानबूझकर गाड़ी के नीचे आया था, उसने हर्जाना लेने से मना कर दिया। अब बताइए, ये नाम कमाने की इच्छा ने उसके मन में जो भाव लाया वो भाव क्या उचित था? कोई भी तरीका अपनाकर, कैसे भी अपनी उपलब्धियां हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता अपनाना, ये सही नहीं था। हम नाम कमाए, प्रसिद्धि कमाए, लेकिन हमारे मन में संतोष का भाव अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना संतोष के हम कोई भी प्रसिद्धि नहीं पा सकते। जो है जितना है, अगर हम हर क्षेत्र में उपलब्धियां नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, हम अपना काम करें, अपने मन से काम करें, अपने परिश्रम से काम करें, और यही जीवन की सच्चाई है। हर किसी को प्रसिद्धि नहीं मिलती, हर किसी का नाम पेपर में नहीं होता, हर कोई हीरो हीरोइन नहीं बनता, हर कोई मॉडल नहीं बनता। तो ये जो भाव है, इस भाव को यही छोड़ देना चाहिए। खिलाड़ी बनना है तो खिलाड़ी बनिए, लेकिन खिलाड़ी बनकर आपका नाम विराट कोहली जैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़कर आपने ये जाना कि मन में वही भाव स्थापित करना चाहिए जिसे हम पूरा करके सफल हो सके, जिसको हम संतोष से पूरा करें। और क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो नाम कमाने की इच्छा से हमारा मन आहत होगा और चोट खाया इंसान इस भाव से अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेगा, उसे शर्म आएगी कि उसने ऐसा क्यों किया, जैसा कि गुरदास के साथ हुआ। अंत में क्या हुआ, उसने पेपर में अपना मुंह छिपा लिया, क्योंकि उसका नाम तो छपा लेकिन सही ढंग से नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, उसकी बुराई के लिए नाम छपा। तो मुझे आशा है कि आप अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए इस शीर्षक से, इस लेख से ये सीख अवश्य प्राप्त करें कि नाम कमाना है लेकिन दिखावा नहीं, ढोंग नहीं, किसी को जबरदस्ती कुछ करके कमाया नहीं जा सकता। ये हमारी प्रतिभा है, अपने आप विकसित होती है। धन्यवाद बच्चों।